वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जेईई 2023 के लिए अप्रैल अटेम्प्ट की प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पांस शीट कब आएगी, इसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं। एंड यहां पे हमारे पास प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पांस शीट कब आएगी, इससे रिलेटेड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कब रिलीज की जाएगी। तो जेईई मेन के लिए जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था वो आप सभी को पता है कि 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 1 फरवरी तक चला था। एंड इसके लिए जो प्रोविजनल आंसर की है वो एनटीए ने 2 फरवरी को ही रिलीज कर दी थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे ये सोच रहे थे कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एग्जाम 15 अप्रैल को खत्म होंगे एंड 16 अप्रैल को एनटीए प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर देगा, लेकिन एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, ये करने के पीछे एनटीए के पास एक जेन्युइन रीजन भी है, क्योंकि जे एडवांस के जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। तो एनटीए के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है, एनटीए एकदम चिल मोड में आराम से काम कर रहा है। एंड जो अप्रैल वाला रिजल्ट है वो आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें आपको आपकी सीआरएल रैंक पता चलेगी एंड कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी रैंक भी पता चलेगी। तो ये प्रोसेस जनवरी वाले रिजल्ट के प्रोसेस से लेंदी होता है, तो इसमें डेफिनेटली एनटीए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। भी आपके जो प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पांस शीट है वो आज यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के बाद, मेन अपडेट ये है, 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के बाद एनटीए किसी भी टाइम जेईई मेन की वेबसाइट पे पब्लिक कर सकता है। रिस्पांस शीट आप डाउनलोड कर पाओगे, इसके बहुत बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि आज आपका जब प्रोविजनल आंसर किया जाएगा 17 को, 2 दिन का टाइम देगा आपको चैलेंज करने के लिए 19, एंड इसके बाद 2 दिन के बाद यानी 20, 21, 22 या 23 को आपका रिजल्ट एनटीए रिलीज कर देगा। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा ये सोचने के लिए कि एडवांस का रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। अगर कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। अगर आपको जोसा काउंसलिंग की वीडियो देखनी है यानी आईआईटी एनआईटी के एडमिशन प्रोसेस समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम हो चुके हैं तो एडमिशन प्रोसेस अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप जोसा की वीडियो देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे जोसा काउंसलिंग 2023, सबसे ऊपर हमारी वीडियो मिलेगी, उसे आप जाके देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लगभग 25 मिनट का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके लिए बता रहा हूं। मिलता हूं दूसरे वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।